साइबर क्राइम का गढ़ माने जाने वाले गिरिडीह में लगातार साइबर के नटवरलालों का किला ध्वस्त होता जा रहा है। बारी बारी से साइबर ठगों को पुलिस सलाखों के पीछे पहुंचा रही है। एक बार फिर गिरिडीह एसपी के सुरेंद्र झा के मजबूत सूचना तंत्र से जिले के सबसे बड़े साइबर रैकेट का भंडाफोड़ हुआ है। बेंगाबाद और अहिल्यापुर थाना क्षेत्र में रहने वाले साइबर अपराधियों ने बिहार और जामताड़ा के क्रिमिनल से सहयोग लेकर साइबर अपराध की वारदात को अंजाम देता था। इस मामले में 3 सहोदर भाई के साथ कुल 13 साइबर ठग क्रिमिनल को गिरफ्तार किया गया है। इस बाबत रविवार को साइबर सेल डीएसपी संदीप कुमार समदर्शी ने एक प्रेस वार्ता कर बताया कि साइबर अपराध में संलिप्त सभी 13 आरोपियों को अहिल्यापुर और बेंगाबाद थाना पुलिस ने गिरफ्तार करते हुए सभी को जेल भेज दिया है। बताया कि एसपी सुरेंद्र कुमार झा के निर्देश पर साइबर अपराधियों के खिलाफ लगातार कार्यवाही की जा रही है। इसी कड़ी में शनिवार को पुलिस अधीक्षक को सूचना मिली कि अहिल्यापुर थाना क्षेत्र के रसनजोरी गांव में एक दर्जन से अधिक युवक एक स्थान पर बैठकर साइबर अपराध कर रहे हैं। इसी सूचना पर थाना प्रभारी फैज अहमद को छापेमारी का निर्देश दिया गया। निर्देश पर थाना प्रभारी दलबल के साथ पहुंचे तो एक स्थान पर कुछ लोगों खुद को बैंक अधिकारी बताते हुए लोगों से फोन पर बात करते पाया। पुलिस देखकर सभी भागने लगे। भागने के क्रम में 3 युवकों को पकड़ा गया। पकड़े गए युवक सभी आपस में भाई हैं। इस दौरान गिरफ्तार अपराधियों के निशानदेही पर बेंगाबाद और अहिल्यापुर में छापेमारी कर सभी को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अपराधियों के पास से 17 मोबाइल, 11 ATM, 11 पासबुक और पैन कार्ड व आधार कार्ड बरामद किए गए हैं। आपके मार्गदर्शन में तथा हमारी साइबर टीम के संयुक्त प्रयास से हमें एक बड़ी सफलता मिली है, जिसके तहत विगत 2 दिनों में हमने कुल 13 अरेस्टिंग की है। इसमें बेंगाबाद और अहिल्यापुर मुख्य रूप से 2 जगहों से हमने अरेस्टिंग की है। और इसमें कुल 17 मोबाइल फोन्स, 11 ATM कार्ड्स, 11 पासबुक हमने बरामद किया है। और जब हमने वॉलेट्स की इसमें तहकीकात की तो उसमें अब तक हमें कम से कम 10 लाख रुपए के ट्रांजैक्शन सभी मोबाइल और वॉलेट से मिल चुके हैं। और हमें उम्मीद है कि फर्दर जब हम इनका एनालिसिस करेंगे तो ये संख्या कहाँ तक जाएगी, इसका अंदाज़ा लगाना भी एक मुश्किल हो रहा है हमारे द्वारा। अधिकतर यंग लोग हैं, तो कुछ लोग विगत 2 महीने से, 3 महीने से, कुछ लोग एक एक साल से भी कर रहे थे। एक ऐसा भी हमारे यहाँ है, एक हमने पकड़ा है जो पहले 2 बार जेल जा चुका है अहिल्यापुर से, और उसकी अरेस्टिंग इस बार 3 बार हुई, अपराध करते हुए पकड़े गए हैं। इसमें एक और उल्लेखनीय बात यह है, इसमें इससे जो यह जो रेड हुआ है इसमें एक इंटर डिस्ट्रिक्ट नेक्सस भी हमने एक उद्भेदन किया है। अहिल्यापुर में एक ऐसे गिरफ्तारी हुई है ऐसी जो जामताड़ा से आया हुआ था, ये आपस में इंटर डिस्ट्रिक्ट भी लिंक इनका है। एक हमने अभी रडार पर अपने लिया है, एक ऐसा व्यक्ति है जो कि बिहार के झाझा में है और हम उसे पकड़ने का प्रयास कर रहे हैं। तो इससे ये साबित होता है कि इंटर स्टेट भी लिंक है साइबर अपराधियों में। तो कहीं ना कहीं मास्टरमाइंड जो होता है जिले के बाहर और कभी कभी स्टेट के बाहर भी विद्यमान है, ये इस बार हमें इस रेड से पता चला।